नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों में कई सारे ऐसे सीन होते हैं जिनके कारण फिल्म विवादों में घिरती है और फिल्म के बंद होने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे विवाद हाल ही में हमने कुछ फिल्मों में देखे, जिनमें से एक थी पानीपत, जो कि इतिहास की पृष्ठभूमि पर बनी है। लेकिन अब सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म दबंग 3 में भी ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। इस विवाद में था क्या? इस विवाद में सलमान खान मध्य प्रदेश के महेश्वर में एक गाने की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ कुछ नकली साधुओं यानी कि कलाकारों को साधुओं का वेश देकर सलमान ने उनके साथ डांस किया था। जब इस गाने को रिलीज किया गया तो साधुओं की ही एक संस्था ने इस गाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि साधु इस तरह से नाचते गाते नहीं है, लिहाजा फिल्म से इस सीन को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को पत्र लिखकर इस फिल्म को बैन करने की या सीन को डिलीट करवाने की मांग भी की थी और जब तक सीन डिलीट नहीं हो तब तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देने की भी मांग की थी, जिसे देखते हुए अब सलमान खान ने अपनी फिल्म से वो सीन हटा दिया है। सलमान ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, इसे लेकर फिल्म से यह सीन हटाया जा रहा है। फिलहाल विवाद क्या था? शबीना खान ने फिल्म के उस गाने को डायरेक्ट किया है जो दबंग 3 का टाइटल सॉन्ग भी माना जा रहा है। हुड हुड दबंग इस सॉन्ग में सलमान खान महेश्वर के घाट पर नाचते हैं और उनके साथ हाथ में गिटार लिए कुछ साधु भी नाच रहे हैं। दरअसल ये असली साधु नहीं है बल्कि ये कलाकार है जिन्हें साधु का रूप दिया गया है और इस गाने में थोड़ा सा रॉक का तड़का लगाने के लिए उन्हें गिटार हाथ में पकड़ाए गए हैं। शबीना खान ने भी इस बारे में बाद में जानकारी दी थी और कहा था कि घाट पर सलमान खान के साथ नाचते वक्त जो साधु थे दरअसल वे कलाकार थे, असली साधु भी वहां मौजूद थे लेकिन वो फिल्म में काम नहीं कर रहे थे, वो फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे, सलमान के बैकग्राउंड में उन्हें भी देखा जा सकता है। इस सीन पर विवाद उठना शुरू हुआ था और ट्विटर पर बायकॉट दबंग 3 जैसे हैशटैग ने ट्रेंड करना भी शुरू किया था, लेकिन फिल्म किसी तरह के विवाद में ना आए इसे देखते हुए सलमान खान ने फिल्म के रिलीज से एक दिन पहले यानी कि आज गुरुवार को ही उस सीन को हटाया और इसकी जानकारी भी दी। फिल्म कल यानी कि शुक्रवार को रिलीज हो रही है। साल में सलमान खान की दूसरी फिल्म है जो इस बार बड़े पर्दे पर आएगी। तो हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी पानीपत, जिसमें राजस्थान के महाराजा सूरजमल के किरदार को विवादित दिखाए जाने पर पूरे राजस्थान में इसका विरोध हुआ था। बाद में सेंसर बोर्ड के निर्देश के बाद फिल्म से 11 मिनट का सीन हटाया गया था। इसके बाद सलमान खान की फिल्म को लेकर भी ऐसी स्थिति ना बने, इसे देखते हुए सलमान ने विवादित सीन पहले ही हटा दिया। देखना होगा बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म कितना जादू बिखेर पाती है और क्या दर्शकों को थिएटर तक खींचने का जादू जानने वाले सलमान खान इस फिल्म के जरिए एक बार फिर कमाई का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। आप देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।